Hello friends, welcome to my channel. Hope you are doing well. So today we will discuss disclosure requirement for listed companies under clause 49. तो clause 49 है क्या? सेबी जो कि हमारी कंस्ट्रक्ट हुई थी 12th अप्रैल 1992 में, सेबी ने हम कुछ रिटर्न इंस्ट्रक्शंस दी थी, जिसमें रिटर्न इंस्ट्रक्शंस दी उन्होंने 21st फरवरी 2000 में, जिसमें कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई और कुछ क्लोजेस के बारे में बात की गई, और इन्हीं क्लोज को नाम दिया क्लोज 49, जो कि हमारे लिस्टेड कंपनीज़ को फॉलो करना मस्ट था. तो ये हमारे क्लोज 49 है क्या? क्लोज 49 होता है हमारा कुछ लिस्टेड एग्रीमेंट्स बिटवीन स्टॉक एक्सचेंज और हमारी कंपनीज़ के बीच में, जो कि हर लिस्टेड कंपनी को फॉलो करना मस्ट है. तो हमारा 21st फरवरी 2000 में सबसे पहले क्लॉज 49 आया, और उसके बाद 2002 में इसको दोबारा से रिव्यू किया गया, चेक किया गया, कुछ सजेशंस दी गई कि इनको कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं. मूविंग फर्दर, इन्होंने वेरियस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स दी थी कि क्या क्या कंपनीज़ को डिस्क्लोज करना चाहिए, किस किस बेसिस पे डिस्क्लोज करना चाहिए. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है बेसिस ऑफ रिलेटेड पार्टीज़. अब रिलेटेड पार्टीज़ क्या होता है? ऐसी पार्टीज़ जिनका हमारी कंपनीज़ के साथ पहले से ही कोई प्रीवियस रिलेशनशिप है, प्री एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेशनशिप है. दे कैन बी आर मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, पार्टनर्स के रिलेटिव्स. ठीक है, तो क्या होता है, मतलब जिनका हमारा बिजनेस के सेटअप होने से पहले भी कुछ रिलेशनशिप है, या जिनसे प्रीवियस हमारे ट्रांजैक्शन से रिलेशनशिप है, उनकी ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करना ट्रांसपेरेंट वे में, कुछ समरी फॉर्म में, मतलब कि इम्पॉर्टेंट टर्म्स को प्रेजेंट करना, पीरियडिकली प्रेजेंट करना हमारी ऑडिट कमेटीज़ के बारे में, और क्या है, डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज़, जो कि कॉमन नहीं है. जैसे मतलब अगर वो नॉर्मल कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, हमारे नॉर्मल ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन, ऑर्डिनरी बिजनेस जो डे टू डे हमारा बिजनेस है, उससे हट के कोई ट्रांजैक्शन की गई है रिलेटेड पार्टीज से, अगर उनको ज़्यादा फेवर किया गया है, वो सारी ट्रांजैक्शंस हमारे ऑडिट कमेटी के आगे प्रेजेंट करना. और क्या है, अगर हमारा कुछ रिलेटेड पार्टीज़ के साथ आर्म लेंथ बेसिस पे बिजनेस नहीं है, आर्म लेंथ ट्रांजैक्शंस नहीं है. आर्म लेंथ का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम लोगों ने सबको इक्वालिटी नहीं दी, कुछ हट के उन्हें प्रायोरिटीज़ दी है, तो अगर ऐसा कुछ है तो वो भी हमारी ऑडिट कमेटी के आगे प्रेजेंट करना, और इस चीज़ का क्लैरिटी देना कि क्यों किया गया, क्यों प्रायोरिटी दी गई, क्यों हट के कुछ किया गया. तो इन सब की डिटेल्स ट्रांसपेरेंट वे में डिस्क्लोज करना ऑडिट कमेटी इसके आगे. तो ये है आपका सबसे पहला पॉइंट, बेसिस ऑफ रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन. मूविंग फर्दर, सेकंड पॉइंट बोलते हैं डिस्क्लोजर ऑफ ऑडिटिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में भी हमें डिस्क्लोज करना है, क्लोज 49 यही कहता है. तो ये क्या बता रहा है कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, क्या क्या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, क्या उसमें मॉडिफिकेशन की जा रही है, क्या हम मेथड्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, उन सब को डिस्क्लोज करना, और बताना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ हमारी मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन भी. अगर मान लो कोई हम लोगों ने अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांजैक्शन अडॉप्ट किया है, या फिर मान लो कोई कैलकुलेशन में हम लोगों ने कोई अल्टरनेटिव मेथड का यूज़ किया है, लाइक हमारे डेप्रिसिएशन के हमारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, उनको अडॉप्ट किया है, तो हमें बताना ना कि क्यों हम लोगों ने ये मेथड यूज़ किया है, क्या इसका अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करने का कोई हमारे लिए बेनिफिट है. इस चीज़ की मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन देना भी मस्ट है. तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यही था कि हमारे अकाउंट से रिलेटेड अगर हम लोगों ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, कुछ हम लोगों ने अलग मेथड्स यूज़ किए हैं, और क्या क्या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, क्या क्या हमारी फाइनेंशियल पोजिशन है, उसको डिस्क्लोज करना. मूविंग फर्दर, थर्ड पॉइंट है आपके पास बोर्ड डिस्क्लोजर रिस्क मैनेजमेंट. अब ये क्या है, द कमेटी शेल ले डाउन प्रोसीजर्स टू इन्फॉर्म बोर्ड मेंबर्स. हमारे जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनके आगे भी हमें डिस्क्लोज करना है कि क्या क्या हमारा रिस्क है, क्या क्या, कैसे हम उसको असेस करेंगे, कैसे हम उसको मिनिमाइज करेंगे, कम से कम करेंगे, क्या क्या हमें मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए ताकि हम लोग इनको मिनिमाइज कर सकें, और पीरियडिकली रिव्यू करना. पीरियडिकली रिव्यू का मतलब है कि टाइम टू टाइम
उन मेजर्स को चेक करना, टाइम टू टाइम हमें देखना कि क्या हमारा रिस्क क्या अक्कर होने वाला है, कुछ एस्टीमेट करना और कैसे हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब रिस्क कैसे भी हो सकते हैं, ग्लोबल रिस्क हो गया, हमारा इकोनॉमिक से रिस्क हो गया, पॉलिटिकल रिस्क हो गया, मान लो कोई पॉलिसीज आ गई, हमारी नई पार्टी आई है और कुछ नई पॉलिसीज आई हैं, तो क्या हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे लिए वो फेवरेबल है नहीं है, उन सब से डील करना। कंपनी से रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर से रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं, तो इन रिस्क को प्रेजेंट करना, उनको कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं उसके बारे में बात करना। और अगर हमारी कंपनी में कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ लैकिंग है कि हम लोग इन रिस्क को मैनेज नहीं कर पा रहे, उसकी डिटेल भी हमारे बोर्ड के आगे डिस्क्लोज करना मस्ट है। नेक्स्ट आपके पास प्रोसीड्स फॉर बिजनेस पब्लिक इश्यूज़, राइट इश्यूज़, प्रेफरेंशियल इश्यूज़। अब क्या होता है कि हमारे कंपनी में वेरियस पर्संस जो होते हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं, है ना। तो हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हुए, मतलब कि जो फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या हमारे जो करंट में इन्वेस्टर्स हैं वो भी। अब हर कोई जो भी अगर अपना पैसा लगा रहा है तो वो इंटरेस्टेड होता है कि ये वाला पैसा अगर मैं उसको दे रही हूँ या दे रहा हूँ तो वो पैसा वो कहाँ पर यूज़ कर रहा है, क्या इफ़िशेंटली उस चीज़ को यूज़ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर वो इफ़िशेंटली यूज़ नहीं कर पाएगा तो हमें भी पता है कि मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो उस चीज़ को जानना। तो कंपनी रेजेस मनी फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से रेज करती है कंपनी जो पैसा, जैसे कि पब्लिक इशू कर दिया, राइट इश्यूज कर दिए, वेरियस मोड्स होते हैं, तो कंपनी पे जानना चाहेगी कि कहाँ पर उनका पैसा वो यूज़ हो रहा है, कहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है। तो इन सब की डिटेल्स प्रोवाइड करना अपने इन्वेस्टर्स को ट्रांसपेरेंसी से, ताकि उनका और ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस हमारी कंपनी में इंक्रीज़ हो, उनका मोराल इंक्रीज़ हो, ताकि वो डरे नहीं कि उन्होंने इन्वेस्ट किया तो उनका पैसा डूब जाएगा। इट शेल डिस्क्लोज टू ऑडिट कमेटी को भी डिस्क्लोज करना द यूजेज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बाय मेजर कैटेगरी, मतलब कि हम लोग कहाँ से अपना फ़ंड रेज कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इन सब को इन सब की डिटेल्स हमारी ऑडिट कमेटी को भी डिस्क्लोज करना, चाहे वो क्वार्टरली बेसिस पे हो, वाली बेसिस पे हो, दोनों हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमारा इससे और ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ होता है हमारी कंपनी में। नेक्स्ट आपके पास रेमुनरेशन। अब रेमुनरेशन क्या है, हम रेमुनरेशन की बात हर कमेटीज़ के अंदर पढ़ते आए हैं कि क्या क्या रेमुनरेशन कैसे होना चाहिए, हमारी रेमुनरेशन कमेटीज़ के बारे में भी बात की गई। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर शेयर होल्डर्स टू इन्फॉर्म ऑफ द रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं कैसे उनको रेमुनरेशन दिया जा रहा है, क्या उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जा रहा है, उन्हें बोनस कितना दिया जा रहा है, इन सब के बात हमारे शेयर होल्डर्स के आगे डिस्क्लोज करना, ये हमारा क्लोज 49 कहता है। फीचर ऑफ क्लोज 49 इज़ डिस्क्लोजर ऑफ रेमुनरेशन पेड या पेबल टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को भी, हम लोग क्या पे कर रहे हैं ये सब कुछ डिस्क्लोज करना। डिस्क्लोजर ऑफ रेमुनरेशन जैसे कि सैलरी क्या है, बेनिफिट्स क्या दे रहे हैं, बोनस क्या दे रहे हैं, स्टॉक ऑप्शंस क्या दे रहे हैं, और क्या हमारी जो सैलरी है या फिक्स्ड सैलरी है या परफॉर्मेंस बेस्ड है, टारगेट बेस्ड है, इन सब की चीज़ें सब चीज़ों की बात करना हमारे शेयर होल्डर्स के आगे, इसको डिस्क्लोज करना मस्ट है। मूविंग फर्दर 6 पॉइंट क्या बोलते हैं मैनेजमेंट के बारे में। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज सुप्रीम अथॉरिटी इन सो फार एज लेइंग आउट द पॉलिसीज। अब क्या है, बोर्ड क्या है, हमारी पॉलिसीज़ को बनाती है, स्ट्रेटजीज़ को बनाती है, और उसके बाद आगे उन्हें इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। तो देखना कि हमारी पॉलिसीज़ ठीक हैं और इम्प्लीमेंट इन्हें ठीक से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इनको पीरियडिकली रिव्यू करना कि हमारी जो पॉलिसीज़ हमने बनाई थी, हमने जो स्ट्रेटजीज़ बनाई थी काम करने की, क्या वो ढंग से इम्प्लीमेंट की जा रही है, उन सबको चेक करना। पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज आर डिस्कस्ड एंड चेक्ड थ्रू मैनेजमेंट डिस्कशन। अब ये कैसे चेक किया जाएगा, कैसे पीरियडिकली रिव्यू किया जाएगा, जब हम टाइम टू टाइम मैनेजमेंट डिस्कशन करेंगे, अपनी एनुअल रिपोर्ट में भी चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में मान लो हम लोगों ने क्या किया है, इस साल हम लोग वो गलती ना करें, या फिर पिछले क्वार्टर में जो हमने गलती की है वो इस क्वार्टर में गलती ना करें। तो आगे इसमें मैनेजमेंट के बारे में ही बताया है कि डिस्कशन में हमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, हमारी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है, क्या डेवलपमेंट हुई है और क्या डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है।
अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स के बारे में, मतलब कि एक्सटर्नल बिहेवियर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारी कंपनी को क्या इम्पैक्ट कर सकता है, अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारे लिए डर क्या है, हमारे कॉम्पिटिटर कैसे हैं, तो उन सब के बारे में बताना। हमारे जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं, अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बारे में बताना, परफॉर्मेंस के बारे में बताना, इंटरनल कंट्रोल है ये नहीं है, क्या हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में डिस्क्लोज़ करना टाइम टू टाइम मैनेजमेंट डिस्कशन में, ताकि हम लोग इस चीज़ को कंट्रोल कर सके टाइमली और ढंग से इसको इम्प्लीमेंट कर सके अपनी पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ को। और क्या बताया, अब सीनियर मैनेजमेंट कौन होते हैं, सीनियर मैनेजमेंट पर्सन्स कौन हैं, हमारे मेंबर के मतलब मेन मेंबर्स रहते हैं हमारे मैनेजमेंट टीम के, पर इसमें हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होते सीनियर मैनेजमेंट में, ठीक है। इसमें कोई भी हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से नीचे वाले पर्सन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, दे कैन बी फंक्शनल हेड ऑल्सो। अब फंक्शनल हेड्स कौन से होते हैं, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हो गया, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट का हो गया, तो ये इन लोगों को भी हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं अगर कोई मतलब अच्छा सीनियर पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन है तो। मूविंग फर्दर, सेवेंथ पॉइंट है आपका शेयर होल्डर्स के बारे में। अब शेयर होल्डर्स तो हमें पता है हमारी कंपनीज़ के ओनर हैं, इनका भी कुछ राइट होती है, इनके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो इनको फुलफ़िल करना होता है। तो शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है कि वो टाइम टू टाइम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गेन कर सके, टाइम टू टाइम इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सके। अब डिसीजन तो वो तभी लेंगे ना जब उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी, तो उनके पास राइट है पूरा का पूरा कि उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो, डिस्क्लोज़ किया जाए कंपनी इसके बारे में, और कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो वो उनकी कंसेंट के बिना लिया नहीं जा सकता। तो ये बात की गई है क्लोज 49 में शेयर होल्डर्स के बारे में। और अगर उन्होंने बताया है कि अगर किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, रीअपॉइंट करना है, तो हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं तो उनको हमें पहले से ही ब्रीफ रिज्यूमे देना पड़ेगा हमारे डायरेक्टर्स को, जो रीअपॉइंट होने वाले हैं या अपॉइंट किया जाना है जिनको, वो हमारे डायरेक्टर्स किस फील्ड में स्पेशलाइज है, उनकी स्पेशलाइजेशन क्या है, उस चीज़ के बारे में बताना। नोटिस बताना कि नोटिस देना डायरेक्टर कौन है, कैसा है, और इनको कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, इन सब की डिटेल्स हमारे शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करना। और क्वार्टरली भी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, इवन दो इनकी वेबसाइट पे, कंपनीज़ की वेबसाइट पे पब्लिश करना भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वेबसाइट पे अगर हम लोग इस चीज़ को अपलोड करेंगे तो कोई भी जो भी हमारी रिलेटेड इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं, जो भी मान लो शेयर होल्डर्स हैं करंट में, या फिर पोटेंशियल शेयर होल्डर्स जो होने वाले, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो होने वाले हैं, अगर उनको भी हमारी कंपनी में इंटरेस्ट है तो वो वेबसाइट में उनकी डिटेल्स चेक कर सकती हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया शेयर होल्डर्स के बारे में ही कि हमारी रिड्रेसल कमेटीज़ बनाई जाएगी, ताकि हम लोग शेयर होल्डर्स की अगर कोई प्रॉब्लम है, शेयर होल्डर्स का कोई भी इशू है, उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी, जिस कमेटी का नाम दिया गया इन्वेस्टर्स ग्रीवियंस कमेटी। और इसको हेड कौन करेगा, मतलब इसके चेयरमैन कौन रहेंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये हम लोग कमेटीज़ के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए हम लोग इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस कमेटी बनाएंगे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो ये था आपके पास शेयर होल्डर्स का पॉइंट। नेक्स्ट आपके पास, तो ये कुछ सेवन पॉइंट्स हैं जिस जो हमारे क्लोज 49 दिए। अब ये बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस एंड सिंसियरिटी। ये क्या है कि हमें जो भी स्टेप्स लेना है वो ध्यान से देना है, प्रॉपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के देना है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट वे में हमें देना है। ड्यू डिलिजेंस एंड सिंसियरिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी रिफर्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि हम लोग डिस्क्लोजर प्रॉपरली मेंटेन करें, ट्रू एंड इफेक्टिव सिस्टम लेके आए, ताकि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो कॉन्फिडेंस है हमारी कंपनी में और ज़्यादा इंक्रीज़ हो। कोई भी हमारे जो फ्रॉड हैं, डिसऑनेस्ट वे से अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसको हम पहले ही कंट्रोल कर लें। हमारे जो ऑडिटर्स हैं, जो जिनको हम लोग वॉच डॉग भी कहते हैं, तो उनको वो पहले से ही अटेंटिव हो जाएँ कि ये फ्रॉड हो रहा है और इस चीज़ को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।
ताकि कंपनी की एफिशिएंसी और ज़्यादा इंक्रीज हो, प्रॉपरली कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, तो ये सारे आपके पास कुछ पॉइंट्स थे क्लोज 49 के अंदर। तो क्लोज 49 क्या होता है, कुछ लिस्टेड एग्रीमेंट्स होते हैं हमारी कंपनीज और हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज के बीच में, जिसको हमारी लिस्टेड कंपनीज़ को एप्लीकेबल करना मस्ट होता है कंपनीज़ में। क्यों करेंगे, ताकि हमारे जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं, हमारे शेयर होल्डर्स हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी जो जहां पर हम लोग रजिस्टर हैं वो लोग हैं, गवर्नमेंट है, तो ये जो रिलेटेड पार्टीज़ हैं इनका कॉन्फिडेंस हमारी कंपनीज़ में इंक्रीज़ हो जाए, ट्रस्ट इंक्रीज़ हो जाए, ये सभी सेटिस्फाई हों, तभी इसीलिए सेबी ने कुछ हमारे क्लोज दिए थे और ये क्लोज को इम्प्लीमेंट करना मस्ट है। तो आई होप यू रियली लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।